हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री लेके आया हूँ 9th to 12th। आज 11th फिजिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर काइनेमेटिक्स। बच्चों, काइनेमेटिक्स पढ़ने से पहले मैंने आपको कुछ मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाए हैं, वेक्टर्स पढ़ाए हैं, डायमेंशनल फॉर्मूलाज पढ़ाया है। यूट्यूब पे ये सारे वीडियोज बच्चों अपलोडेड हैं, ठीक है। उन वीडियो जो वीडियोज मैंने बेटा अपलोड किए हैं, उन अपलोड वीडियोज को आप लोग पॉज करके स्टडी किया करिए, ठीक है। वेक्टर्स के वीडियोस भी हैं और डायमेंशनल फॉर्मूले का एक पुराना वीडियो है, 4-5 महीना पहले का। उस समय वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, भाई मैंने इम्प्रूव की है साउंड क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी, ठीक है बच्चों। सो अब देखिए, अपन एक क्वेश्चन कर रहे हैं इंटीग्रेशन का, क्वेश्चन आपको दिख गया होगा, ठीक है। बट बेटा, जो आज से पढ़ना शुरू कर रहे हैं मेरे साथ, जो जुड़ रहे हैं मेरे साथ यूट्यूब में, टाइम्स शेड्यूल सब्सक्राइब करिए, टाइम्स शेड्यूल एंटर करिए यूट्यूब में, आपको मिल जाएगा। लाइक्स करिए, अच्छा लगे वीडियो तो, समझ में आए तो, और सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिए। बट बेटा, जिनका पहला डे है आज, उनको पिछले वीडियोस बेटा देखने पड़ेंगे, 8-10 वीडियो 11th क्लास के हो चुके हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से। और बच्चों, ये बेसिक ही हुआ है, अभी कोई मेन यूनिट स्टार्ट नहीं हुई है। मेन यूनिट बच्चों में आज से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। बट बच्चों, वेक्टर, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और डायमेंशनल फॉर्मूले का मैंने आपको बेसिक सा वीडियो बनाया हुआ है, वो आप 2-3 घंटे में पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है, तभी आपको आगे के टॉपिक बेटा समझ में आएंगे। चलिए, सो अपन क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, अपने को समाकलन करना है, इंटीग्रेशन करना है। लेकिन बच्चों, यहाँ पे प्रॉब्लम है, हम पढ़ चुके हैं टेन स्क्वायर का सीधा कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है इंटीग्रेशन का। तो बच्चों, इसको पहले अपने को मैथ्स का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। टेन स्क्वायर एक्स को लिखा जा सकता है, समझ रहे हैं, टेन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले पढ़ाया हूं मैं आपको, ठीक है बेटा। तो जब डायरेक्ट बेटा इंटीग्रेशन ना हो तो फिर मैथ्स के फॉर्मूले अप्लाई करना मत भूलिएगा, वो अप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है बेटा। चलिए, तो ये मैथ्स का फॉर्मूला हो गया, हमने ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई किया है, त्रिकोणमिति का। अब बेटा, आपको यहाँ पे देखिए दो टर्म दिखाई पड़ रहे हैं, एक तो sec स्क्वायर एक्स है और दूसरा 1 है, ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है। तो अब दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे, तो मैं आपको कुछ बेसिक्स फिर से याद दिला दूं बेटा। किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, बताया था मैं आपको, नहीं होता है, वो बाहर आ जाता है, सी कांस्टेंट है, बात समझ आ रही है। इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स मतलब यहाँ 1 है, समझिएगा, और 1 का इंटीग्रेशन फंक्शन ही होता है, डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, जिसके जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है। डीएक्स मीन्स वॉट, डीएक्स मीन्स एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है इस पूरे का। सो इंटीग्रेशन डीएक्स आ जाए, वन इंटीग्रेशन ऑफ 1 डीएक्स आ जाए, देन एक्स आएगा, ठीक है, समझिएगा। इंटीग्रेशन डी थीटा आ जाए, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, थीटा, क्लियर है बच्चों। इंटीग्रेशन डी टी भी आएगा, सो टी हो जाएगा, अब समझिएगा। तो बेटा, आपको अब यहाँ पे फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप पिछला वीडियो अच्छे से पढ़े होंगे बेटा, ठीक है। सो बच्चों, sec स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, बुक में दिया हुआ है, देखिएगा बुक में, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है, ठीक है बेटा। मैं आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, नहीं स्कूल में आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, sec स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 dx, आसान भाषा में बोलो dx का मतलब है कि इन दोनों का इंटीग्रेशन करेगा dx, इसका भी करेगा और इसका भी करेगा, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, ठीक है, एक भाग दूसरा भाग। बच्चों, समझ में आ रहा है, बहुत इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, सिंपल बोलचाल की भाषा, ठीक है। अब बेटा, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन तो tan x हो गया, और वो इंटीग्रेशन 1 dx क्या हो जाएगा, आई बताया हूं, ये देखिए x हो जाएगा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन में लिमिट भी थी, मैंने आपको लिमिट दे दी है,
अब लिमिट मैं आपको दे दे रहा हूं पाई बाई फोर से जीरो, ठीक है, बता चुका हूं बेटा। अपर लिमिट हमेशा क्या होती है, फाइनल लिमिट, फाइनल वैल्यू हमेशा अपर लिमिट होती है, और लोअर लिमिट कौन होती है बताइए, इनिशियल वैल्यू, इनिशियल लिमिट, ठीक है, इसे पढ़ा चुका हूं, पिछला वीडियो देखिएगा। सो लिमिट बेटा, अब ये इंटीग्रेशन का साइन भी नहीं आएगा और डीएक्स भी नहीं आएगा फंक्शन, ठीक है, लेकिन लिमिट अपने प्लेस में रहेगी पाई बाई फोर रेडियन जीरो डिग्री। बेटा रेडियन तो पढ़ा चुका हूं मैं आपको, पाई रेडियन यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो पाई बाई फोर का मतलब क्या है बेटा, एक सेकंड रुकिएगा, पाई बाई फोर का मतलब क्या है बेटा, पाई बाई फोर मीन्स 180 बाई फोर मतलब 45 डिग्री, 2 पाई मीन्स 360 डिग्री, पढ़ा चुका हूं ये। अब बेटा लिमिट सॉल्व करना है, लिमिट ठीक है, कोई भी इशू नहीं है, मैं आपको लिमिट सॉल्व करना बेटा बता चुका हूं, लिमिट सॉल्व करना बता चुका हूं कैसे करना है, कैसे करना है, एक बार अपर लिमिट आएगी और एक बार लोअर लिमिट आएगी, और दोनों के बीच में जो साइन है वो रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, प्लस है तो प्लस रहेगा, ये बात आप समझ रहे हैं, ठीक है, क्लियर है चीज। तो एक बार अपर लिमिट यहां पे आएगी और एक बार लोअर लिमिट आएगी, ऐसे ही यहां पे आएगा, अपर लिमिट आएगी और फिर लोअर लिमिट आएगी, क्लियर है, बात समझ आ रही है। अब यहां पे क्या करिए आप, सिंपल सा करिए, अपर जब दो टर्म हो तो अपर लिमिट को लाइए किसके पे, बेटा लिमिट किसकी है, एक्स की ना, दो लिमिट है, टैन स्क्वायर एक्स डीएक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है इंटीग्रेशन, इस एक्स की दो लिमिट्स हैं, तो क्या होगा देखिए, ध्यान से देखिएगा, टेन पाई बाई फोर हमने अपर लिमिट को यहां रखा एक्स के प्लेस में, जो यहां है ये उसकी लिमिट है, माइनस पाई बाई फोर को फिर रख दो वहीं पे, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है जब दो टर्म हो तो पहले अपर लिमिट को सॉल्व कर लो, अपर लिमिट एक बार यहां पे आएगी और एक बार यहां पे आएगी, फिर माइनस, अब बचा लोअर लिमिट, देखिए अब बचा लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट को एक बार यहां ले जाइए, इजी है बेटा, टेन जीरो डिग्री और जीरो, नहीं समझ में आया बच्चों, समझो, यदि x नहीं होता तो हम क्या करते थे अभी तक, अपर लिमिट एक बार आता माइनस एक बार लोअर लिमिट आता, यदि ये x नहीं होता तो एक बार यहां पाई बाई फोर आता और एक बार जीरो आता, ठीक है, लेकिन यहां पे दो टर्म है, सो अपर लिमिट को दोनों जगह लाओ, फिर लोअर लिमिट को दोनों जगह लाओ, और बीच में माइनस साइन है तो ये माइनस साइन अभी भी है, ठीक है। अब टेन फोर्टी फाइव, अब बच्चों ट्रिग्नोमेट्री है, टेन फोर्टी फाइव पाई बाई फोर का मतलब क्या होता है, टेन फोर्टी फाइव, टेन फोर्टी फाइव, तो बच्चों थोड़ा कैमरा एडजस्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा, हाँ बच्चों टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू तो वन होती है, आपको ट्रिग्नोमेट्री याद होनी चाहिए, वन माइनस ये तो सॉल्व नहीं होगा, पाई बाई फोर ही रहेगा, सॉल्व हो चुका है ऊपर, माइनस टेन जीरो जीरो माइनस जीरो, कहानी खत्म, आंसर आ गया वन माइनस पाई बाई फोर, ठीक है बेटा। तो ये आपको एक मैंने इंटीग्रेशन का एग्जाम्पल लिया, ठीक है, चलिए अब बच्चों मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं जो कि आगे थोड़ा डिफिकल्ट होता है, फिजिक्स में यूज होगा, ऑसिलेशन चैप्टर में, मैं आपको बता भी दे रहा हूं कि कहां यूज होगा, आप ध्यान रखिएगा, ऑसिलेशन चैप्टर, एसएचएम भी बोलते हैं उस चैप्टर, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, और कहां यूज होगा, अल्टरनेटिंग करेंट 12th में, क्वेश्चन दिया,
ठीक है, समझिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ, ऐसा मैं आपको डिफरेंशिएशन दिख रहा था, साइन ओमेगा टी डीटी, समझिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डीटी, ठीक है। अब यहां बेटा थीटा, यदि यहां पे टी होता, सिर्फ टी होता, साइन टी डीटी, तो हम क्या बोलते हैं कि डीटी टी के रिस्पेक्ट में साइन टी का हो रहा है, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस टी हो जाता आंसर, माइनस कॉस टी आंसर हो जाता। क्लियर बेटा? लेकिन ये नॉर्मल इंटीग्रेशन नहीं है, ध्यान से देखिए, डीटी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है इस पूरे टर्म का, ठीक है। बट यहां बेटा टी और साइन के बीच में एक अननोन वैल्यू है, इनवेरिएबल है ओमेगा, ठीक है। बताया था मैं आपको डिफरेंशिएशन में ये इनवेरिएबल बाहर आ गया था, याद होगा आपको, ओमेगा कॉस ओमेगा टी हो गया था। बट बेटा इंटीग्रेशन में क्या होता है, समझेंगे, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी, और ये जो इनवेरिएबल है बेटा ये बाहर आएगा, ये होगा आपका आंसर। बात को समझिएगा, क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या किया मैंने। कोई भी वेरिएबल, इसको पढ़ते हैं ओमेगा, एक्चुअली इसका नाम है एंगुलर वेलोसिटी। अभी आपको नाम नहीं जानना है, आप सिर्फ ध्यान रखिए कि ऑसिलेशन और एसी दो ही चैप्टर बेटा आएगा ये, और वेव, ठीक, ऑसिलेशन वेव तो आपस में टॉपिक कनेक्टेड है, बाकी चैप्टर में बच्चों ये नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं आएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो जो इन वेरिएबल है इंटीग्रेशन में अपॉन में आ जाए, यहाँ बेटा समझो, यदि यहाँ टू ओमेगा होता तो अपॉन में टू ओमेगा आता, यहाँ टू ओमेगा रहता, ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए अब बच्चों हमको पढ़ना है ग्राफिकल कॉन्सेप्ट, ग्राफिकल कॉन्सेप्ट समझेंगे। ग्राफिकल वैसे बेटा यहाँ पढ़ाना जरूरी नहीं है, बट बुक्स में रिफ्रेशर्स में दिया हुआ है तो जान लीजिए, जब आगे फिजिक्स में आएगा बेटा तो आप वैसे भी पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो ग्राफिकल कॉन्सेप्ट में आते हैं, ठीक है, समझिए। स्ट्रेट लाइन कर्व या ग्राफ, ठीक है, सरल रेखा, सरल रेखा, बच्चों मिताब की रेखा नहीं, ठीक है, सलामी इसके वाले है ना, स्ट्रेट लाइन, बच्चों स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऐसा भी हो सकता है और स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, बात को समझेंगे बहुत अच्छे से बच्चों। इसे ग्राफ की ओरिजिन बोलते हैं, ये वाई एक्सिस, और ये आप जानते हैं एक्स एक्सिस, वाई एच एक्स एच हिंदी में, ये ओरिजिन है ओ, ठीक है, ये भी ओरिजिन है, समझिएगा। तो बच्चों पहले आप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पढ़िएगा अच्छे से, मैथ्स में मैथ्स वाले बच्चों को दिक्कत नहीं जाएगी, वो पढ़ेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। अब अच्छे से समझेंगे, खासकर मैथ्स वाले जिनको नीट करना है, जिनको डॉक्टर बनना है, एम्स में जाना है, ठीक है बच्चों, जो फ्यूचर में देश की सेवा करने वाले हैं, जैसे कोरोना के कंडीशन पे बच्चे कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं डॉक्टर्स, ठीक है, आज कई डॉक्टर्स निस्वार्थ देश की सेवा कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, उसमें मेरे बहुत सारे स्टूडेंट भी हैं, 10-15 तो मेरे खुद के स्टूडेंट हैं जिनका MBBS कंप्लीट हो चुका है, ठीक है बेटा, और वो लोग भी सेवा कर रहे हैं, डॉक्टर मलिला खत्री, विकास खत्री, मोनिका सिंह परिहार, राजश्री सिंह परिहार, बेटा बहुत से बच्चे हैं मेरे भी, डॉक्टर ऋचा तिवारी जो शेड्यूल से पढ़ के निकले हैं, अनूपपुर अमलई मेरे से पढ़े हैं, आसपास के एरिया से यहाँ के पढ़े हैं, ठीक है बच्चों। चलिए तो बच्चों एम को बोला जाता है स्लोप,
जिसकी वैल्यू tan थीटा भी होती है क्वेश्चंस में, ठीक है। सी को बोलते हैं बेटा इंटरसेप्ट, हिंदी में स्लोप को बोलते हैं ढाल, हिंदी माध्यम में सारा कुछ हेल्प कर रहा हूं, कोई भी आगे बढ़ सकता है, ठीक है। इंटरसेप्ट बोलते हैं इसको, अंतर्वलन, इंटरसेप्ट, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन देखो बच्चों, ये क्वेश्चन ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, तो बच्चों इसमें क्या है, इंटरसेप्ट है ही नहीं, कहां इंटरसेप्ट नहीं है, क्योंकि इंटरसेप्ट इसे बोलते हैं, ये है इंटरसेप्ट, ठीक है बेटा, उसको इंटरसेप्ट बोला जाता है, ठीक है, इसमें तो है ही नहीं। तो इसके लिए इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस होगा प्लस जीरो, इसके लिए क्या होगा, होगा कंप्लीट इक्वेशन अप्लाई होगा इसमें, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब कोई आपसे पूछे कि इसमें स्लोप क्या है, तो ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, और ये जो एंगल बना, ठीक है बेटा, ये जो एंगल बना इसको ट्राइंगल बना लीजिए, और यहां से tan थीटा निकाल लीजिए, स्लोप है, tan थीटा निकाल सकते हैं, स्लोप, स्लोप को tan थीटा लिया जाता है न्यूमेरिकल्स में, m इज इक्वल टू tan थीटा, याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स, ठीक है बेटा, अच्छे से देखिए इसको पहले, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, क्लियर है, चलिए। हाँ बेटा, अब आते हैं सर्कल, ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल ग्राफ कब, सर्कल जैसा कर्व आपको कब मिलेगा, समझिएगा, ये सर्कल है बेटा, ठीक है, ओरिजिन, सर्कल की रेडियस है सपोज करिए, ठीक है, सर्कल की क्या है, रेडियस है, समझ रहे हैं। अब इसमें इसको थोड़ा सा कर रहा हूं बेटा चेंजेस, इसको ले लिया गया x और ये हो गया y, दिख रहा है क्या, कैमरा चेक करना पड़ता है, हाँ दिख रहा है बेटा, नहीं दिख रहा है तो बड़ा सा देख लो, बड़ा बड़ा देखा है पहली बार, साजन की ओए, साजन की आंखों में प्यार, बच्चों डांस करने का मन कर रहा है बट नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बना रहा हूं यूट्यूब में, क्लास में करता हूं, हां जी बच्चे झेलते हैं मेरे गंदे गंदे डांस, कभी शकीरा के, कभी श्रीदेवी के, कभी दीपू के, हां जी मैं तो लवली हो गई यार, हां जी अब बच्चों समझेंगे, ठीक है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये क्वेश्चन पहले आपको याद होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है, और इसमें कोई दम नहीं है बेटा, समझ आ गया है, ठीक, सिंपल, ठीक है बच्चों। अब इसमें सबसे ज्यादा जो बच्चों इक्वेशन इंपॉर्टेंट है ग्राफ, वो है सबसे फेवरेट, हम कुछ देर से पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ एलिप्स, दीर्घवृत्ताकार, सारे यूज होंगे बेटा फिजिक्स में, कोई छोड़ नहीं सकते हो। अब आते हैं पैराबोला, कौन बोला बेटा, पापा जी नहीं बोले, पैराबोला, पैर नहीं बोला, पैराबोला, ठीक है, परवलयाकार हिंदी बोलते हैं, परवलयाकार, ठीक है। पैराबोला क्या होता है फिजिक्स में, पहले आप समझ लीजिए, ये पैराबोला है, ठीक है, इसको और आगे बढ़ा दीजिए, ये पैराबोला है, ठीक है, ये भी पैराबोला है, समझ रहे हैं, ये भी पैराबोला है, मतलब कढ़ाइया जैसे शेप, घर में कढ़ाई होती है ना उसके जैसा, इसको बोलते हैं बेटा पैराबोला, जो लोग नहीं जानते अब आ गया होगा समझ में, क्लियर है, ठीक, अब समझिए, पार्ट्स में समझ लीजिए, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये ग्राफ बेटा पैराबोला है, ऊपर और जाता है, ठीक है ऐसे, हाँ जी कढ़ाई जैसा। बच्चों पैराबोला की एक पहचान है ये, वाई ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर,
ठीक है, कभी भी टू क्वांटिटीज आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, आपस में बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो लेकिन स्क्वायर हो। एक बात और सुन लीजिए, बताना भूल गया था मैं, कभी भी टू क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो हमेशा ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, ये भी समझते चलिएगा। टू क्वांटिटीज केवल समानुपाती हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब जिनको पता नहीं है समझ लीजिए, वैसे 9-10 में था बेटा, यदि x की वैल्यू इंक्रीज होगी तो y भी इंक्रीज होगी, x की वैल्यू डिक्रीज होगी तो y भी डिक्रीज होगी। पहले ये समझिए, इन्वर्सली मतलब क्या होता है, एक वैल्यू घटेगी दूसरी बढ़ेगी, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विद क्रमानुपाती बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया, इसी को आप ऐसा लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है फिजिक्स में, के आ गया। तो बच्चों ये हुआ इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। यदि बच्चों ये वाला इक्वेशन लेते हो आप, ये वाला ग्राफ लेते हो आप, तो यहां थोड़ा सा कहानी चल जाएगी, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा के वाई स्क्वायर। ध्यान से देखिए दोनों में हल्का फर्क है, हल्का फर्क है बेटा, x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर। अब कैसे पहचानोगे समझो बेटा, पैराबोला में क्या होता है, जिस क्वांटिटी पे स्क्वायर है और जिस पे नहीं है, y में स्क्वायर नहीं है तो हमेशा ग्राफ स्लोप उसी की ओर मुड़ेगा। देखो ध्यान से, ये देखो y पे स्क्वायर नहीं है तो ग्राफ y की ओर झुक रहा है, ठीक है। यहां पे आओ, यहाँ पे x पे स्क्वायर नहीं है, x कहाँ है, ये है, ठीक है, x पे स्क्वायर नहीं है तो ग्राफ किसकी ओर झुक रहा है, x की ओर। ये इसको समझने की ट्रिक होती है, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा, बात समझ आ रही है। y यहां लेगा, ठीक है, इस बात को समझ रहे हैं, ठीक, क्लियर है कि नहीं क्लियर, बोलिए ठीक। अब एक बच्चों तीसरा इक्वेशन भी होता है पैराबोला में, जो कि फिजिक्स में आगे आने वाला है और उस टॉपिक का नाम है बहुत फेमस, दीपिका पादुकोण जैसे फेमस है, कौन सा, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है बेटा। वहां पर बेटा ग्राफ थोड़ा सा अलग आएगा, ऐसा ग्राफ आएगा, समझेंगे, ये भी पैराबोला ही है बट इसका इक्वेशन थोड़ा सा बेटा अलग होता है, ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, समझ रहे हैं, ये सॉरी वाई नहीं होगा यहां पे, मैं तो लवली हो गई यार, नाम तेरा जप के, नाम तेरा जप के, हाँ, तो यहां क्या होगा, ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा, ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। ए और बी क्या है ये आगे पढ़ोगे आप, ये कोफिशियंट है, कोफिशियंट गुणांक है, कांस्टेंट मान सकते हैं, स्थिरांक मान सकते हैं, ठीक है। ये ज्यादा फिजिक्स में यूज होगा बेटा, ये ज्यादा यूज होगा, इसका पूरा डेरिवेशन भी पढ़ेंगे अपन, ठीक है। टॉपिक का नाम सुन लीजिए, प्रक्षेप्य गति हिंदी माध्यम में प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इक्वेशन अलग है, ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, बट बेटा बेसिक मत भूलिएगा, अपन पढ़ने वाले हैं इस इक्वेशन को आगे, है ना। चलिए अब बच्चों आते हैं आगे, जो सबसे फेमस कंसेप्ट है और वो है बेटा एलिप्स, दीर्घवृत्ताकार, इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ एलिप्स, दीर्घवृत्ताकार हिंदी बोलते हैं, दीर्घवृत्ताकार। तो बच्चों पहले इसका, जैसे पृथ्वी का शेप पहले आप जान लीजिए ओवल होता है, ओवल, और उसी को बच्चों बोला जाता है एलिप्टिकल, एलिप्टिकल लपटना नहीं, एलिप्टिकल दीर्घवृत्ताकार, एलिप्टिकल, ठीक है। ठीक समझेंगे, ओवल शेप, ये ए है, ये ए है, ये पूरा क्या होगा, टू ए, समझेंगे, ऐसा ही
इधर भी होता है, टू बी, ठीक है, टू बी, हाँ जी ठीक। बच्चों ये रेडियस बड़ी होती है तो इसको बोला जाता है सेमी मेजर एक्सिस। नाम सुनते जाइएगा बच्चों, अभी आपको केवल बेसिक पढ़ना है, इतना ही पढ़ दिया है बुक में, आगे आएगा। वैसे तो मैथ्स में है ये, ठीक है, बट फिजिक्स में बेटा ग्रेविटेशन चैप्टर में यूज होगा ये। टॉपिक का नाम सुन लीजिए, गुरुत्वाकर्षण, सेमी मेजर, मेजर साहब और मेजर साहब, सेमी मेजर एक्सिस। बी का नाम सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है बेटा, सेमी माइनर एक्सिस। अब सबसे पहले इसका इक्वेशन पढ़ लीजिए। मरपी अगर आया ओ राम जी, मरपी अगर आया ओ राम जी, पढ़ लिया बेटा, ठीक है, क्लियर है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ठीक। अब कुछ और बातें समझ लीजिए, हालांकि वो मैथ्स में है बेटा, फिजिक्स में तो ज्यादा यूज नहीं होएगा। यदि इसको मिला दिया जाए सेंटर से, ये जो हाफ मेजर एक्सिस है, ठीक है, सेमी मेजर एक्सिस है, इसका हाफ ले लिया गया, किस पॉइंट को ए ले लिया गया, इसको बी ले लिया गया, तो बेटा ए बी को बोला जाता है लैक्टस रेक्टम, लैक्ट्रिन नहीं, लैक्टस, लैक्टस थोड़ा बायोलॉजी जैसा नाम है, लैक्टस रेक्टम, बायोलॉजी वाला रेक्टम नहीं बेटा, ठीक है, वहां से तो निकलता है मॉर्निंग में, हाँ जी, लैक्टस रेक्टम बोला जाता है ए बी को, ये समझिए अच्छे से, ए बी को टेक्निकल वर्ड है बेटा, ये टेक्निकल वर्ड है, और इसकी वैल्यू होती है 2b² / a, किसकी वैल्यू, ए बी की, लिख लीजिए लैक्टस रेक्टम। ये जेई वालों के लिए यूज होगा, मेडिकल में कोई यूज नहीं है बेटा, ये पहले बोल दे रहा हूं, मेडिकल में इसका कोई यूज नहीं है, केवल बच्चों ये जेई वाले बच्चों के लिए है, केवल और केवल जेई वाले स्टूडेंट्स, ठीक है। वैसे बेटा ये खत्म हो गया है तो आप क्या समझे, अंडा, ये इलेप्टिकल शेप है अंडा। अब सुन लीजिए, पृथ्वी हमारी गोल नहीं है बेटा, दिखने में गोल है, पृथ्वी हमारी एलिप्स है, एलिप्टिकल शेप की है, ठीक है। अब एक बात और सुन लीजिए, इसेंट्रिसिटी, ई का नाम नोट कर लीजिए, इसके पहले भी एक ई आया था लॉग में बेटा, वो एक्सपोनेंशियल कोफिशियंट नाम था उसका, ठीक है, ई का, लेकिन ये ई अलग है, इसका नाम क्या है बेटा, इसेंट्रिसिटी, 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 कौन सी सिटी, इसेंट्रिसिटी, हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्केंद्रता, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है मैथ्स में 1 - b² ये बी है, लिख रहा है बी, ये बी है पूरा 2b / a², ये नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया लैक्टस रेक्टम ए बी, सेमी मेजर एक्सिस का सेंटर से लाइन ड्रॉ किया, मैथ्स बेटा पढ़ेंगे ये, मैथ्स में मैं आपको बेसिक नॉलेज दे दे रहा हूं बायोलॉजी वालों को, ठीक है, क्लियर है बेटा। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ एलिप्स, ठीक है। अब बच्चों आते हैं बहुत इजी वाले पोर्शन में, सबसे इंपॉर्टेंट यही था, ठीक, चलिए अब आते हैं एक और ग्राफ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपर, कौन बोला बेटा, कौन बोला, रेक्टेंगुलर हाइपर बोला, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं अति परवलय, आयतानुसार, आयतन हिंदी बोल रहा हूं, अति परवलय, रेक्टेंगुलर, ठीक है, आयताकार अति परवलय, ठीक। किसमें क्या कंसेप्ट है बेटा, इसमें ये कंसेप्ट है, टू क्वांटिटीज इनवर्सली होंगी, इनवर्सली, इसी को ऐसा ही बोल सकते हो, एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, के मतलब, के मतलब कटरीना नहीं है, करीना आंटी भी नहीं है, करीना आंटी भी नहीं है, कैटरीना भी नहीं है, तो के का मतलब फिजिक्स में बार बार के आएगा, के आ रहा तो नहीं है, हो सकता है, K
के कौन है, आज के बच्चे कियारा के फैन है। अरे कियारा बोल गए, प्रीति सिक्का झप्पड़ वाली याद आया, हाँ जी अर्जुन रेड्डी वाली, कबीर सिंह वाली, चलिए हाँ जी। देख 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 मेरे पापा देख रहे हैं, याद आया डायलॉग, तेरे पापा देख रहे हैं, हाँ चलो थोड़ा मस्ती हो जाए आगे बढ़िए। हाँ जी हालांकि कबीर सिंह अच्छी मूवी नहीं थी, लोग बच्चों यूथ को मैसेज गलत दिए बेटा, इसलिए मूवी को एंजॉय करो, गलत चीज मत सीखो, ठीक है चलो। तो बेटा कभी भी इनवर्सली रिलेशन हो, इनवर्सली ये भी इनवर्सली लिखा हुआ है, एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये तो कॉन्स्टेंट है, जब अपन y को नीचे ले जाएंगे बेटा तो ये ऐसा हो जाएगा, होगा। अब जब इक्वल को हटाओगे तो इसी इक्वल को हटाओगे तो ये भी हट जाएगा, तो फिर इसको क्या लिखोगे, x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। मैंने हर छोटी बात समझाई है, प्रोपोर्शनैलिटी कभी बेटा हटाते हैं तो ये पहले इज इक्वल टू आएगा और फिर कॉन्स्टेंट आएगा कोई ना कोई, बेटा जरूरी नहीं है कॉन्स्टेंट को के लिखा जाए, सी भी लिख सकते हैं, जो मर्जी हो लिखो, ठीक है क्लियर है, हाँ जी। तो बेटा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ कैसा दिखता है, ऐसा, ठीक है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आयताकार अतिपरवलय, ये कब होता है समझ में आ गया है, इनवर्सली आप पढ़ने वाले हो फिजिक्स केमिस्ट्री में बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जल्दी ही पढ़ोगे ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, फिजिक्स में तो लेट है, केमिस्ट्री में पहले पढ़ोगे स्टेट्स ऑफ मैटर में एलेवेंथ में, ठीक है बेटा। पी और वी इनवर्सली है तो पी और वी के बीच ग्राफ क्या होगा, हाइपरबोला, क्लियर है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो बच्चों ये हुआ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, अब बच्चों थोड़ा सा मैं आज स्टार्ट कर ही दूं, कई दिन से रुका हुआ है ठीक है, काइनेमेटिक्स। एक चीज और समझ लीजिए छोटी सी बात, साइनोसॉइडियल कर्व ये वेव में आएगा और ऑसिलेशन में आएगा, वेव फॉर्म बोलते हैं ना, वेव कर्व ये पढ़ोगे, जब बेटा ये ओरिजिन से स्टार्ट होता है देन ये ए साइन, ए साइन ठीक है क्लियर है, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, ये आगे आएगा ए साइन ओमेगा टी ठीक, ऑसिलेशन में आएगा, ऑसिलेशन में क्लियर है ए साइन ओमेगा टी, यहां क्या लिख सकते हो ए साइन एक्स, हमने इसको एक्स लिया है और इसको वाई लिया है, तो बच्चों इसको बोलते हैं साइनसॉइडियल कर्व, ठीक है। अभी वेव कंसेप्ट है, अभी आप वेव के बारे में नहीं जानते हो तो ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा बेटा, हाँ बट ये जान लीजिए ऐसा कर्व यदि आएगा तो इक्वेशन फिजिक्स में ऐसा आएगा साइन के टर्म्स में, ठीक है बेटा। यही ग्राफ यदि ऊपर से स्टार्ट हो ऐसे कहीं से ऊपर से तो बेटा इसको बोलते हैं कॉस कर्व, देन वाई इज इक्वल टू आएगा ए कॉस एक्स, कॉस आएगा फॉर्मूले में, समझ रहे हो, ऊपर से स्टार्ट हो, ओरिजिन से स्टार्ट होगा तो साइन, इसके पीछे क्या लॉजिक है, और भी चीजें हैं इसमें, अब उसके लिए आप वेट करिए ठीक है चलिए। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट फेमस चैप्टर काइनेमेटिक्स, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, काइनेमेटिक्स यूनिट का नाम है आईआईटी मेडिकल में और उसका पहला पार्ट है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति, ठीक है बेटा सरल रेखा में गति। तो बच्चों सबसे पहले समझिए कि मोशन क्या होती है, बहुत इजी बेटा, बहुत टाइम नहीं दूंगा इस समय, यदि किसी बॉडी की पोजीशन में टाइम के साथ चेंजेस होते हैं बेटा, बहुत इजी है, किसी वस्तु किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में टाइम के साथ चेंजेस होते हैं तो बच्चों क्या है, मोशन कहलाती है, क्लियर है मोशन कहलाती है, ठीक है क्लियर है चीज, समझ आ रही है, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होना, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होना, किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ, ठीक है
किसी बॉडी की पोजीशन में चेंजेस हो, ठीक है। चलिए अब बच्चों थ्री टाइप्स ऑफ मोशन, फिजिक्स में थ्री टाइप्स ऑफ मोशंस होती हैं, ठीक है, समझेंगे। पहला है रेक्टिलिनियर मोशन, या उसी को ट्रांसलेटरी मोशन भी कहा जाता है बेटा, ट्रांसलेटरी मोशन। हालांकि दोनों में हल्का फर्क है लेकिन बेटा मोस्ट राइटर्स उसको सेम ही ले लेते हैं। रेक्टिलिनियर सरल रेखीय गति, इसका एक और नाम है स्थानांतरित गति, स्थानांतरित गति, ठीक है। ट्रांसलेटरी मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन, ओके। अब ये क्या है बेटा समझेंगे, एक सेकेंड थोड़ा पानी पी लो बेटा। हाँ समझिए बच्चों, ने किसी बॉडी के सारे पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, डिस्प्लेस हो रहे हैं और सभी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, सारे पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हो और सभी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो, दैट मोशन इज नोन एज ट्रांसलेटरी मोशन। बात समझ में आई बेटा, क्लियर हुआ? ये सारे पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे हैं, ठीक है बेटा, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, एक साथ और इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। समझ में आया कुछ? इक्वल डिस्टेंस कवर करें, इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, पहली बात। दूसरी बात, सारे पार्टिकल साइमल्टेनियसली मूव कर रहे हैं, एक साथ मूव कर रहे हैं, तो इस मोशन को बेटा ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे, ठीक है। ठीक है, जैसे बेटा बस जो है यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है, रोड में, स्ट्रेट रोड में, तो बेटा वो ट्रांसलेटरी मोशन है, बस का स्ट्रेट रोड में जाना ट्रांसलेटरी मोशन है, ठीक है बेटा। और भी इसके एग्जांपल है, ट्रांसलेटरी मोशन कैन बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, ये भी समझेंगे आप। ट्रांसलेटरी मोशन जो है बच्चों यूनिफॉर्म भी हो सकती है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है, यूनिफॉर्म भी हो सकती है, एक समान गति भी हो सकती है और असमान गति भी हो सकती है, ठीक है बेटा, क्लियर है। और इसके फेमस एग्जांपल है बेटा, समझेंगे, मोशन ऑफ अ बॉडी समझेंगे, इसके फेमस एग्जांपल जो है अच्छे समझिएगा, ये हम पढ़ने वाले हैं आगे, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है थोड़ा डिफिकल्ट भी है। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वस्तु, ऑब्जेक्ट मींस वस्तु, बॉडी, ठीक है, इन अ स्ट्रेट लाइन, ऑन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ, एक मिनट, मोशन ऑफ अ बॉडी इन इंक्लाइन प्लेन। इसका हिंदी बेटा थोड़ा भूल रहा हूं मैं, शायद इसको नत समतल बोलते हैं हिंदी में, नत समतल, जब पढ़ाऊंगा टॉपिक आएगा तो इसका हिंदी बता दूंगा, नत समतल ही बोलते हैं, ठीक है। मोशन ऑफ अ बॉडी इन इंक्लाइन प्लेन, अब इंक्लाइन प्लेन क्या है अभी आप समझ लीजिए कि जो डायग्राम बता रहा हूं मैं ये इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। जैसे फिसल पट्टी होती है स्कूलों में, हमने किसी बॉडी को लुढ़का दिया,
फल लुढ़का सॉरी स्लाइड कर दिया, लुढ़का देंगे बेटा तो वो थोड़ा अलग मोशन हो जाएगी, वो रोलिंग मोशन हो जाएगी, सॉरी रोलिंग मोशन अलग होती है रोलिंग मोशन, ठीक है। फिसल गया कोई बच्चा, फिसल पट्टी पे स्लाइडर पे फिसल गया तो वो क्या है, इंक्लाइंड प्लेन पर होने वाली मोशन है, ठीक है बेटा, क्लियर है। ट्रांसलेटरी मोशन समझ में आई। और भी एग्जांपल है इसके, किसी बॉडी को ये फेंक दिया गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है बेटा, एंगल बना